और फ्रेंड आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे तमिलनाडु का जो लास्ट सीरीज अभी तक बाकी था वो वीडियो अब आपके लिए आ चुका है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तमिलनाडु के और कौन सी जगह है जहां पर आप बहुत ही कम पैसों से और आसानी से आपका पसंदीदा हिसाब से घूम सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ आपके साथ ढेर सारा बातें करने। और इसके साथ साथ आज बहुत सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन भी लेकर आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले हाय गाइस, मैं हूं शांतनु आपका दोस्त एंड आपका होस्ट एंड यू वाचिंग बॉम्ब राइडर शांतनु आपका ही चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट गेट स्टार्टेड। और फ्रेंड्स हमारे लिस्ट पे पहले नंबर पे आते हैं धर्मपुरी। ये जगह के अंदर आपको बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स, रिवर और ढेर सारा चीज एक साथ देखने के लिए मिलेगा। तो इधर जाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो है नवंबर टू मार्च के बीच में। और इसके अलावा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट विजिटेड प्लेस है वो है कलावडियावर टेम्पल, श्री क्षेत्रगिरीश्वर टेम्पल, धर्मपुरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और चेन्नई पेरुमल टेम्पल। और इसके अलावा आप कौन से एक्टिविटीज इधर आप कर सकते हो वो है, आप धर्मपुरी फॉल्स में बोट राइडिंग की मजा भी ले सकते हो। और इस सिटी में आप आपका स्ट्रेस रिमूव करने के लिए ऑयल मैसेज की मजा भी ले सकते हो। और इसके साथ साथ इस सिटी में आपको बहुत सारे टेम्पल एंड चर्च एक साथ देखने के लिए मिलेगा। और हमारे लिस्ट पे नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो तमिलनाडु का सबसे बेहतर और सबसे कूलेस्ट प्लेस है ऊटी, जहां पर आपको एक ठंड देने वाली और इसके साथ साथ आपका मन का शांत कर देने वाली एक जगह है वो है ऊटी। इधर आपको बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ बहुत कुछ आपको एक साथ देखने के लिए मिलेगा। और जो आता है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप जरूर ऊटी में विजिट करना और आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ढेर सारा मस्ती करना और आपका रिलैक्सेशन टाइम भी इधर आप जरूर स्पेंड करना। और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ऊटी से कदाईकनाल जाने के लिए इधर से बहुत ही कम डिस्टेंस है, 250 किलोमीटर। और इधर से मतलब ऊटी से आपको कैब और टैक्सी मिल जाएगा कदाईकनाल जाने के लिए। ऊटी में जाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो है मार्च से लेकर जून के बीच में। जरूर इस टाइम में आप ऊटी में विजिट कर सकते हैं। इधर विजिट करने के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो है गवर्नमेंट रोज गार्डन, ऊटी का स्पेशल द टी फैक्ट्री एंड द टी म्यूजियम, द स्टीफन चर्च एंड टाइगर हिल माउंट। और इसके साथ साथ आप उधर जाकर कौन सी जगह में जो आपका स्पेशल एक्टिविटीज होता है उसका मजा भी ले सकते हैं। वो जगह है विजिट द पॉपुलर ऊटी लेक एंड उधर आप सीनिक टॉय ट्रेन का भी राइड का मजा भी ले सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं जो बोटानिकल गार्डन है उसका मजा भी आप उधर जरूर ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ऊटी एंड कोदाईकनाल के बारे में मैं और एक वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस कर रहा हूं, वो हमारे जो लिस्ट में आते हैं इंडियन का टॉप बेस्ट प्लेस विजिटेड एरिया, जहां पर इंडिया का टॉप बेस्ट प्लेस में आप विजिट कर सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर ऊटी एंड कोदाईकनाल आता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर उस लिंक के थ्रू हमारे वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। 1930 मीटर ऑल्टीट्यूड में प्रेजेंट है तमिलनाडु का कूलेस्ट प्लेस, वो है कुन्नर, जहां पर आपको तमिलनाडु का गर्मी से छुटकारा पाने के लिए और
ढेर सारा मस्ती और नेचुरल ब्यूटी लेने के लिए ऊटी के साथ साथ कुन्नर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एक जगह होने वाले हैं। तो कुन्नर आपके लिए जरूर एक सजेस्टेड प्लेस हो सकता है, आप जरूर कुन्नर जा सकते हैं और कुन्नर में आपका पसंदीदा नेचुरल ब्यूटी की मजा और पहाड़ का भी मजा आप उधर ले सकते हैं। उधर जाने के लिए आपको ट्रेन सर्विस भी आपको मिल जाएगा और ओटी से कुन्नर आप जरूर और आसानी से जा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ कुन्नर में जो टाइगर हिल माउंट है उसका मजा भी आप उधर ले सकते हैं। तो इधर जाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में। और कुन्नर में जो बेस्ट विजिटेड प्लेस है वो है शिम पार्क, हाइट फील्ड टी एस्टेट, ड्रॉप फोर्ट, टाइगर हिल सेमेट्री, लैम्स रॉक एंड वेलिंगटन लेक। और इसके साथ साथ आप इधर जो मस्तियां और मजा भी कर सकते हैं, जिसका एक्टिविटीज का मजा भी आप इधर से ले सकते हैं, वो जगह है डॉल्फिन नोज का, जो स्पेशल एंड खूबसूरत जो ब्यूटी है उसका मजा भी आप इधर ले सकते हैं। और इसके साथ साथ डोट्टाबेटा माउंटेन तक भी आप ट्रेकिंग कर सकते हैं। और लास्ट में जो आता है ब्यूटीफुल सिम पार्क में भी आप जरूर विजिट करना और ढेर सारा मस्ती और नेचुरल ब्यूटी का भी मजा जरूर लेना। तमिलनाडु में आप लोगों से फ्रेंड जो ट्रेकिंग में जॉय एंड मजा दोनों लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है येलगिरी हिल्स। तो जानते हैं येलगिरी हिल्स के बारे में। 4,626 फीट का ऊपर येलगिरी हिल्स तमिलनाडु का बेस्ट ट्रैवल प्लेस में आता है। तो आप भी ट्रेकिंग के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी एंड बहुत सारे चीज एक साथ देखना चाहते हैं तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट होने वाला है। तो इस एरिया में जाने के लिए जो बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम होता है वो है मई से लेकर जून के बीच में एंड नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में। आप जरूर इधर विजिट कर सकते हैं। और इधर जाने के लिए जो बेस्ट विजिटेड प्लेस है वो है शमीमालाई हिल्स, येलगिरी लेक, येलगिरी नेचुरल पार्क, मुरुगन टेम्पल एंड स्टीलर केव। और इसके साथ साथ इधर आप कौन सी एक्टिविटीज भी करना चाहते हो और कर सकते हो वो भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं। शमीमालाई हिल्स में आप गार्डन का एंड फॉरेस्ट का मजा भी जरूर ले सकते हैं और जलागमपराई फॉल्स में भी आप जरूर विजिट कर सकते हो और इधर का फॉल्स का मजा भी आप जरूर ले सकते हैं। और इधर जो स्पेशल एक्टिविटीज आप जरूर कर सकते हैं वो है पैराग्लाइडिंग के साथ साथ माउंटेन क्लाइंबिंग एंड बहुत सारा मस्ती एंड फन। तो जरूर आप इधर विजिट करो और नीचे कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना। और आज का लिस्ट में नेट नंबर पे जो आते हैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ। कौन बोलता है तमिलनाडु में इतने गर्मी के साथ साथ कोई कूलेस्ट एंड ब्यूटीएस्ट प्लेस नहीं है? तो आज का लिस्ट में जो मैं बोल रहा हूं आपके साथ वो स्पेशली 70 से लेकर 80% वो है जहां पर आप तमिलनाडु का गर्मी के मौसम में इतना इतना पहल चुके हो तो उससे रिलीफ मिलने के लिए आप तमिलनाडु के अंदर ही बहुत सारे जगह है जहां पर आराम से आसानी से और मज एंड मस्ती से घूम सकते हो। उसका लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जो नीलगिरी के अंदर पड़ता है वो है कोटागिरी। इधर आपको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी के साथ साथ फ्रेंड और बहुत सारे कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको बहुत सारे फॉल्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी का मजा एक साथ कॉम्पैक्ट एंड मस्ती भरी लाइफ के लिए जाना जाता है। तो और इधर जाने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो है नवंबर टू मई के बीच में।
और इधर जाने के लिए जो बेस्ट विजिटेड प्लेस होता है वो है कैथरीन वाटरफॉल्स, लैम्स रॉक, रैलिया डैम, कोदानद व्यू पॉइंट एंड लास्ट में आता है रंगाशमी पीक एंड पिलार। और इसके साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज भी आप इधर कर सकते हो वो है मेशमरिजिंग इल्क फॉल्स में भी आप जरूर विजिट कर सकते हो, लॉन्गवुड शोला में आप वाइल्ड लाइफ का मजा के साथ साथ विजिट भी जरूर कर सकते हो। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इधर आप आपका फैमिली और फ्रेंड के साथ और खुद के साथ बहुत ही अच्छे और स्पेशल टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जरूर इधर विजिट करो आपका एफोर्ड के हिसाब से और आपका मन पसंदीदा हिसाब से जरूर इधर विजिट करो और बहुत सारे मस्ती करो। मेरा एक ख्वाहिश रहता है आपके लिए इस तरह का बहुत सारे इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी जानकारी जहां पर आप आपका एफोर्ड के आपका पैसों से हिसाब से आपका ढेर सारा पैसा खर्च नहीं हो, उसलिए आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं। तो फ्रेंड आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा ऐसे ही हमारे लिए प्यार देते रहो। कमेंट करो आप कौन सी स्टेट का ऊपर आपका कौन सी जगह के ऊपर वीडियो जानना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और आप कौन सी स्टेट के कौन सी जगह पर रहते हो, उधर स्पेशल कुछ जगह है जिसका बारे में हमारे साथ कमेंट में भी आप शेयर कर सकते हो। हमारे लिस्ट पे लास्ट एंड आखिरी नंबर पे आते हैं पलानी, तमिलनाडु का बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस के अंदर आता है पलानी। और इधर आपको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी के साथ साथ और ठंड का मजा और नेचुरल ब्यूटी की मजा भी आप इधर ले सकते हैं। और इधर ए प्लेस पलानी दो माउंटेन के बीच में है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में ही इसके बारे में जरूर जानेंगे। शक्तिगिरी एंड शिवगिरी जो दोनों माउंट है वो इस जगह को खेल कर रखा है। और तमिलनाडु का बहुत लोग नहीं जानते, तमिलनाडु का बहुत सारे जगह है जहां पर आपको ठंड का मजा भी ले सकते हैं, माउंटेन का भी मजा ले सकते हैं, फॉरेस्ट का मजा, रिवर के मजा, फॉल्स के मजा ले सकते हैं। सब लोग जानते हैं तमिलनाडु मतलब बहुत गर्मी, बहुत पसीना भरे जगह, बट इधर भी सुकून मिलने के लिए बहुत सारे जगह है। तो इसका अंदर भी ये जगह पड़ता है। इधर और एक रिवर भी है जिधर आपको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी रिवर के दोनों साइड में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। शनमुगा रिवर जो नेचुरल सीनिक व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है, ये रिवर भी आपको इधर ही देखने के लिए जरूर मिलेगा। इधर जाने के लिए जो बेस्ट ऑफ बेस्ट टाइम होता है वो है नवंबर से लेकर मार्च के बीच में। और पलानी में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट विजिटेड प्लेस है वो है पलानी हिल टेम्पल। चिरू हविनानकुदी टेम्पल, थंगाथेर एंड ईदुलबाल टेम्पल, इसके साथ साथ बहुत सारे जगह भी है आप जरूर विजिट करिए। उधर ट्रैवल एजेंसी है, आप आपको वो लोग जरूर उधर बहुत सारे जगह को जरूर घुमा देगा। और इसके साथ साथ आप इधर जो एक्टिविटीज कर सकते हैं वो है पलाई लेक का जो जितने सारे जगह है उधर आप जरूर घूम सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी का भी मजा आप जरूर पलानी लेक में ले सकते हैं। पलानी लेक में आप जरूर घूम सकते हैं और उधर का जो सीनिक एंड नेचुरल ब्यूटी है उसका मजा आप जरूर ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो विजिटेड बेस्ट एंड पॉपुलर टेम्पल है उधर, उधर में भी आप जरूर विजिट कर सकते हैं और ढेर सारा मस्ती कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो इधर खत्म होता है, आज का इंफॉर्मेशन इधर खत्म होता है। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तमिलनाडु का आज का लास्ट लिस्ट था, और भी सारे जगह है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। आप जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जानने चाहते हैं तो तमिलनाडु के बारे में नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके बताना जानना चाहते हो तो तमिलनाडु के बारे में, तब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को जल्द से जल्द 30 से लेकर 40,000 लाइक करवा दो, और हमारे चैनल से जुड़े रहो सब्सक्राइब कर। और आई होप गाइस इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया लाइक एंड शेयर बटन जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करो नए हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। बस इतने ही काम कर दो, और कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो और नया इंफॉर्मेशन के साथ। इस तरह से ढेर सारा इंफॉर्मेशन जानने के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल, एंड आते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, गुड डे एंड गुड बाय।